फ्रेंड दिस इज आमिर खान और आप देख रहे हैं स्वेल एंड आमिर खान। आज की यह वीडियो कोरल ड्रॉ की टूल बार की फिफ्थ वीडियो है। आज के वीडियो में हम बताएंगे आगे की टूल के बारे में कि कोरल ड्रॉ में कौन कौन से टूल है। चलिए चलते हैं अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन की तरफ और जानते हैं कोरल ड्रॉ के टूल के बारे में। दिस इज द फ्यूचर। चलिए चलते हैं हम अपने कोरल ड्रॉ की तरफ। सबसे पहले हम कोरल ड्रॉ को ओपन कर लेते हैं। यह हमारे कोरल ड्रॉ के टूल बार की पांचवी वीडियो है। आज का पहला टूल है बेसिक शेप टूल। इसका यूज़ कैसे करते हैं आइए जानते हैं। बेसिक टूल शेप पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद इसे ड्रैग कीजिए। आप देखेंगे इस शेप को आप इस नोट से पकड़ के आसानी से इसका शेप बदल सकते हैं। आप देखेंगे इसे आप पतला भी कर सकते हैं, इसे आप चौड़ा भी कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा मोटा करना है इसे मोटा कर सकते हैं, या आप आसानी के साथ छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट टूल आता है एरो शेप टूल। इससे आप कोई भी एरो आराम से बना सकते हैं। इस नोट से इसे मोटा कर सकते हैं। आप देखेंगे ये एक तीर की तरह हटकर एक बुलेट की तरह बन गया है। आप इसे वापस तीर की तरह बना सकते हैं। इसके बाद आता है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट एक शेप की तरह होता है। इसका यूज़ आप आसानी से कर सकते हैं। एक शेप बनाने के काम आता है, इसका यूज़ ज़्यादा नहीं होता। इसके बाद आता है नेक्स्ट टूल बैनर शेप। इसका यूज़ ज़्यादातर बैनरों में होता है। ये आप देखेंगे किसी रिजल्ट या बैनर पे यहाँ नाम लिखने के लिए करते हैं। इसमें आप आसानी से कलर भी दे सकते हैं और यहाँ टेक्स्ट की मदद से टेक्स्ट लिख सकते हैं। इसके बाद अगला है कॉल आउट शेप। आप देखते होंगे किसी इमोजी या कोई चुटकुले में इस तरीके का शेप देखेंगे। यहाँ कोई आदमी बना होता है, इस तरह आपका कॉल आउट बना रहता है, इसमें कुछ टेक्स्ट लिखे रहते हैं। आप इसमें कलर भी दे सकते हैं और कुछ टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। इसके बाद अगला टूल होता है टेक्स्ट टूल। तो सबसे आसान टूल होता है। इसमें टेक्स्ट टूल पे क्लिक करके आप जहाँ लिखना है आपको, आप वहाँ क्लिक करेंगे, आप वहाँ आसानी से कुछ भी लिख सकते हैं। मैं स्वेल एंड आमिर खान लिख देता हूँ, या आप आसानी से लिख सकते हैं कहीं भी। यहाँ से आप इसका फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर सकते हैं, यहाँ से आप फ़ॉन्ट साइज चेंज कर सकते हैं, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कुछ भी कर सकते हैं। इसके बाद इसका अगला टूल आता है टेबल टूल। टेबल टूल बिल्कुल ही आसान होता है, ये ग्राफ टूल के तरह होता है। टेबल टूल पे क्लिक कीजिए, आपको जितना बड़ा टेबल चाहिए आप उतना बड़ा टेबल आसानी से बना सकते हैं, ऐसे छोटा बड़ा अपने मनपसंद साइज कर सकते हैं। यहाँ से आपको जितना रो चाहिए, जितना कॉलम चाहिए, आप यहाँ से इसे एडिट कर सकते हैं और अपने मनपसंद एडजस्ट कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। तो आपने हमारे चैनल सुहेल एंड आमिर खान को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू।